सिंगरौली जिले के चितरंगी के ग्राम पंचायत कुलहुया में A6 प्रोडक्शन मुंबई की तरफ से शॉर्ट फिल्म्स और वीडियो सॉन्ग्स की शूटिंग चल रही है। बीते कई दिनों से यहां शूटिंग की जा रही है। ग्राम पंचायत कुलहुया में बन रही शॉर्ट फिल्म सामाजिक मुद्दों और सामाजिक समरसता पर आधारित है। टॉयलेट, जनरेशन गैप, बालिका शिक्षा आदि विषयों पर यह शॉर्ट फिल्म तैयार की जा रही है। शूटिंग के लिए कलाकारों और टेक्निकल टीम का दल विभिन्न शहरों से आए हैं। कई फिल्मों का निर्माण कर चुके सौरभ पांडे के मुताबिक वे इसी गांव के रहने वाले हैं, पर 8 साल से मुंबई में रहकर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट 10 दिन का है, जिसमें 2 वीडियो सॉन्ग और 6 शॉर्ट फिल्म है। इसमें स्थानीय कलाकारों से लेकर मुंबई की टीम भी शामिल है। मैं रहने वाला तो इसी गांव का हूँ, कुलहुया का ही। ये चितरंगी तहसील में आता है सिंगरौली जिले के, लेकिन मैं विगत 8 वर्षों से मुंबई में रह के और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, डायरेक्शन लाइन में। तो हम अक्सर देखते थे कि सिंगरौली में हर तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये क्षेत्र जो था सांस्कृतिक, ये थोड़ा सा पीछे था। तो अब मैं यहाँ से था, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ इस चीज़ की शुरुआत करूँ। हर तरह से हो रही है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट 10 दिन का है। हम 10 दिन में 8 शॉर्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 2 वीडियो सॉन्ग हैं और 6 शॉर्ट फिल्म हैं, जो सामाजिक समस्याओं और जो सामाजिक समरसता है उस पर आधारित है। जिसमें से पहली जो कहानी हमारी है वो टॉयलेट के ऊपर है, शौचालय की समस्या के ऊपर। दूसरी जो है एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर है। तीसरी है एक जनरेशन गैप के ऊपर है, कि हमारे पहले वाले जो लोग समझते थे, उनकी जो मेंटेलिटी थी, उनका जो सोचने का तरीका था, जो समाज में रहने का, कैसे समाज को व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उसके विपरीत जो आज की जनरेशन है, युवा पीढ़ी, उनकी क्या सोच है, दोनों का जो है ये भेद है, उसको दर्शाती है हमारी फिल्म। हमारी टीम में हमारे क्षेत्र के भी लोग शामिल हैं, रीवा, सीधी और सिंगरौली के, क्योंकि मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता था कि यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो यहाँ पे रंगमंच कर रहे हैं या कला से जुड़े हुए हैं या जो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो उनको भी मौका मिले। और बाकी जो मेरी प्रोफेशनल टीम है, टेक्निकल टीम है, वो सारी मुंबई से है, जिसमें से DOP हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं और लाइट वाले हैं, मेकअप वाले हैं। तो ये कुछ टीम हमारी जो टेक्निकल टीम है वो मुंबई से है, आर्टिस्ट कुछ मुंबई से हैं और बाकी लोग यहाँ के भी आर्टिस्ट हैं, सीधी के हैं, रीवा के हैं और सिंगरौली के भी हैं। ये शूट किया जाएगा, कंटिन्यू 8 दिन शूट किया जाएगा और यहीं गांव के आसपास ही शूट किया जाएगा, जिसमें सारे लोग यहाँ के अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं जो अच्छे टूरिस्ट प्लेस हो सकते हैं। और हमारा उद्देश्य ये भी था कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ खूबसूरती है जो गाँव की, वो एक वैश्विक स्तर तक पहुँचे। क्योंकि जो हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि हम इसको जगह जगह पे जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स, वहाँ पे हम भेजेंगे। वो बाहर के भी हो सकते, विदेशों में भी होते हैं और अपने इंडिया में अलग अलग जगह पे होते हैं, वहाँ पे भी जाएंगे। और बाद में इसे एक अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पे, जैसे MX Player है, Amazon Prime है, Hotstar है, YouTube है, इन पे हम बाद में इसको रिलीज करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ बन रही शॉर्ट फिल्म में स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिला है, वहीं ग्रामीणों में भी इसे लेकर उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सिंगरौली।